इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां मैच डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछले सीजन में दोनों टीम के बीच 4 मैच खेले गए थे और हर बार मुंबई ने दिल्ली को शिकस्त दी थी। पिछला फाइनल भी दोनों के बीच खेला गया था जिसमें मुंबई 5 विकेट से जीती थी। दिल्ली तब पहली बार फाइनल खेली थी, ऐसे में वो मुंबई से उस हार का बदला जरूर लेना चाहेगी। दोनों टीमें इस सीजन में अपना पिछला मैच जीत चुकी हैं, ऐसे में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत और मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा दोनों ही अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं करना चाहेंगे। पंत आईपीएल में पहली बार कप्तानी कर रहे हैं जबकि रोहित अपनी टीम को सबसे ज्यादा 5 बार खिताब जिता चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं केजे सिंह सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी पर। एक बहुत ही अहम मुद्दा ये यहाँ पर आज बना हुआ है, आज का ये मैच अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किसका पलड़ा भारी लग रहा है क्योंकि रोहित शर्मा पहले भी कई बार मैच जीत चुके हैं तो वहीं दूसरी ओर ऋषभ पंत हैं कप्तानी में। आज का जो अभी दो प्रोग्राम तो मैं देख रहा हूँ है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली भी जीत चुकी है तो उनके भी मैच जो भी फॉर्म में आ चुके हैं जिसमें खासकर की बात कर या धवन की, धवन ने दो बहुत अच्छे स्कोर किए लास्ट मैच में, उनकी टीम बना एक जीत की नींद भी अच्छी थी उन्होंने, तो कहीं ना कहीं रबाडा भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अनिस भी ऑलराउंड लास्ट में मैच जिताया तो अच्छा मुकाबला होने वाला है, लेकिन इसमें मैं एक हेडमैच को जरूर चाहूंगा इस मैच पर क्योंकि वो एक अच्छा मैच की क्षमता रखते हैं। और जहां तक मुंबई का सवाल, क्योंकि मुंबई भी अभी एक छोड़ या भारत को छोड़ कर अभी कोई भी ऐसा रन नहीं बना पाए क्योंकि पोलार्ड बहुत अच्छा खेले और फॉर्म में मुझे कम लोड चुके हैं। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे केजे सिंह सर, कोच हैं, क्रिकेट कोच हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने विस्तार से ये चर्चा हमारे साथ की और बताया कि किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण मैच है अपने आप में और काफ़ी दिलचस्प होने वाला है इस मैच को देखना।